ये जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उन। जैन फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। आपको आज वन रैंक वन पेंशन को लेके पूरा अपडेट बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार आप पहले मोदी जी का ये वाला भाषण देख लें। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है, क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला। ओके, चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि 2013 में ये मोदी जी का भाषण था, और इस भाषण के मायने क्या हैं अब आपको मैं वीडियो बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि वन रैंक वन पेंशन मुद्दा जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसमें कि आपने देखा होगा 2008 से ये आंदोलन जंतर मंतर पे पहुंचा था, और एक बार ये आंदोलन इतना ज़्यादा वो हो गया कि इसमें भूतपूर्व सैनिकों ने अपने मेडल्स वापस करने शुरू कर दिए और राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपा और बताया कि ये सैनिकों की पेंशन के साथ में भेदभाव है, कृपया इस भेदभाव को मिटाएं। तो बहुत से लोगों को पता होगा फ्रेंड्स वन रैंक वन पेंशन के बारे में, जिनको नहीं बताया थोड़ा सा डिटेल मैं बता देता हूं, जिसको हम शॉर्टकट में ओरूप बोलते हैं, यानी कि वन रैंक वन पेंशन, समान रैंक की समान पेंशन। पूरा मुद्दा इसी को लेके है कि एक रैंक को एक पेंशन मिले, यानी कि सबकी पेंशन समान कैसे होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दे को आप आसान भाषा में समझें तो पहले थर्ड पे कमीशन से पहले क्या होता था कि सशस्त्र सेनाएं जितनी भी होती थी उनको जो वन रैंक वन पेंशन मिलता था, लेकिन थर्ड पे कमीशन के बाद में तकरीबन 1973 के बाद में इसमें क्या कर दिया कि इसको सामान्य पेंशनों की जैसे वो होती उसी वाली कैटेगरी में हमको भी डाल दिया। तो उससे घाटा ये होने लग गया कि मान लीजिए कि एक समान रैंक के, एक मान लिया जो सीनियर बंदा है 5 साल पहले रिटायरमेंट हो गया, और एक उसी रैंक का बंदा यानी कि 5 साल बाद में भर्ती हुआ, 5 साल के बाद में रिटायरमेंट होता है, सेम रैंक सेम एक ही रैंक से सेम सर्विस से, तो दोनों की पेंशन का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो पहले क्या होता था कि समान रैंक समान पेंशन थी, लेकिन 1973 के बाद में उसमें थोड़ा बहुत जो आम पेंशन की तरह कर दी, इससे क्या है वेरिएशन आ गया। तो इसको लेके कई बार आंदोलन हुआ है। अब 2016 में हमारी जो आर्मी की सोसाइटी है एक्सर्विसमैन की, वो है आपकी एक्सर्विसमैन मोमेंट्स, उन्होंने एक संगठन है, उन्होंने एक संगठन बनाया रूप के लिए और सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप किया, और जिसका कि केस नंबर है आपका WPC 000419 2016 में इन्होंने एक केस फाइल किया, और जिसका कि आपको डायरी नंबर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो केस तब से लेके अभी तक हमें सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है। तो अभी जो 24 मार्च को इसमें जो बैठने केस की जो सुनवाई होनी थी, जो कि सुनवाई होनी थी हमारे माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ और माननीय जस्टिस MR शाह और माननीय जस्टिस संजीव खन्ना साहब के द्वारा, कि इनके वन रैंक वन पेंशन को लेके फैसला आना था, लेकिन एक बार फिर तारीखें टाल दी गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब जो नई तारीख मिली है वो मिली है आपको 7/4/2021 की। तो फ्रेंड्स, एक बार वन रैंक वन पेंशन को लेके आपको पुराने आज से 5 साल के पहले फ्लैशबैक में ले चलता हूँ, जो कि
क्योंकि आपने मेरा शुरुआत में मोदी जी का भाषण देख लिया होगा, जिसमें मोदी जी ये बोल रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन हमने दिलाया, यह हमारा दिली मुद्दा था, ये राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, जो वन रैंक वन पेंशन का बिल जो वो बता रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा कि ये 2013 फरवरी में कांग्रेस ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया था जो कि लागू होने वाला था, लेकिन एंड टाइम पे चुनाव में जिनकी की उन्होंने कल्पना नहीं करी थी चुनाव, वो हार गए और फिर आई सत्ता में भाजपा। तो जिस प्रकार पहले भाजपा ने क्या किया था, आधार कार्ड का विरोध किया था और फिर वापस आजकल सब चीज़ों को आधार से जोड़ने का क्रम चला हुआ है, उसी प्रकार तो जो सैनिकों का जो कहना ये है कि जो ये जो अभी नई वन रैंक वन पेंशन मिल रही है, इसमें भी 6 पॉइंट्स इन्होंने बोला था कि कमी है, वापस मीटिंग बैठाई गई तो उसमें जो मेजर लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर साहब थे, जो भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर साहब थे, उन्होंने बोला था कि ये वन रैंक वन पेंशन जो है असल वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका रिव्यू का जो टाइम डाल रहे हैं वो है आपका 5 साल का, जबकि ये सालाना होना चाहिए, यानी कि सालाना एक ऐसा अपडेट होना चाहिए कि सालाना इसमें, यानी कि जो आज एक जो सेम रैंक वाले की जो पेंशन है अगर माना जाए 1 साल पहले आता है और एक नेक्स्ट साल आता है, जो बेसिक पे जो बढ़ती जाती है उसके आधार पर ही हर साल अमेंडमेंट होना चाहिए। तो इसको लेके कमेटी बनाएगी, कमेटी के जाल में फिर ये मामला उलझते चला गया तब से तारीख पे तारीख। तो फ्रेंड्स, अभी भी आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार फिर मामला पेंडिंग में चले गया है। अब वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो नया अपडेट आएगा वो आएगा आपका 7 अप्रैल 2021 को, यानी कि फिर उसकी सुनवाई, इस केस की सुनवाई जो होनी है वो होनी है आपकी 7 अप्रैल 2021 को। अब देखते हैं कि उसमें सरकार फौजियों का या भूतपूर्व सैनिकों का सहयोग करती है नहीं करती है, या इस मुद्दे पे सैनिकों का साथ देती है नहीं देती है। आसार तो वैसे काफ़ी कम है क्योंकि सरकार की तरफ से सही ढंग से पक्ष रखा नहीं जा रहा, जिस कारण कि हमें तारीख पे तारीख मिल रही है, क्योंकि जब तक केस की सही ढंग से सुनवाई नहीं होगी उस पर कोई भी डिसीजन आना मुमकिन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आपको वन रैंक वन पेंशन की। तो जो भी अब नया अपडेट आएगा वन रैंक वन पेंशन को लेके, इसी प्रकार हमारा मिलिट्री सर्विस पे को लेके जो कुछ भी अपडेट रहेगा, मिलिट्री सर्विस पे का जो केस चल रहा है वो चल रहा है आपका दिल्ली हाईकोर्ट में, और वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोनों की जो भी अपडेट होगी उस वो चीज़ें मैं आप लोगों को हर चीज़ अपडेट करते रहूँगा। तो अब जो वन रैंक वन पेंशन का जो 7 अप्रैल को जो भी फैसला होगा, मैं आप लोगों को जो भी अपडेट होगा वो जरूर आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।